Law is sacred and profession of law is noble. It demands total dedication and extreme hard work. Very few make it through the top. I invite Honorable Chief Guest, Senior Advocate Mr. I.B. Singh Sir to the podium to share his words of wisdom. My friend Amit, other dignitaries, Mr. Sir, teachers, students, I promise you that I will not deliver a very lengthy speech like Justice Masoodi. But only few words I want to say. When we started we started our learning law in 1972. There was only one institution in Lucknow, and that was Lucknow University. A 3 years course, not more than that. I passed in 1975. I think that after 75, some more colleges added the law education in their syllabus. They were Kanikot College and Shia College. And that was also a 3 years course. But thereafter, law course ka jo isko padha hai, वो पिछले 15-20 सालों में उसकी हम लोग कभी कल्पना भी नहीं करते थे जब हम लोग पढ़ते थे. एक हर चीज का इसको पढ़ने के लिए ये भी जरूरी होता है कि उसका एंड क्या होगा. जब हम लोग पढ़ते थे तो एंड यही था, लाभ पढ़ने के बाद या तो कहीं क्लर्की मिल जाए, कोई ला ऑफिसर की पोस्ट उस समय नहीं होती थी किसी भी डिपार्टमेंट में. लेकिन धीरे धीरे लोगों को महसूस होने लगा कि हमारे डिपार्टमेंट में ला ऑफिसर्स की भी पोस्ट होनी चाहिए और हर बात पे लीगल नॉलेज होनी चाहिए हर आदमी को. तो इस तरह सर्विसेज की स्कोप बढ़ी. फिर 5 years कोर्स का इंट्रोडक्शन हुआ और 5 years कोर्स के बाद तो एकदम से लॉ फर्म्स की पूरे इंडिया में बाढ़ सी आ गई. आज मैं दिल्ली या बंगलौर या बॉम्बे या हैदराबाद जहां कहीं भी जाता हूं तो मुझे शायद ही कोई गली ऐसी मिलती हो जहां पर लॉ फर्म्स ना मिलती. लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 5 years कोर्स में बच्चे जाने के बाद से प्रैक्टिस में नहीं आना चाहते. पर्टिकुलरली ये जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज और नेशनल लॉ कॉलेजेस हैं तो वो लॉ स्टूडेंट्स को एक मशीन बना करके पैदा कर रहे हैं. लॉ फर्म ज्वाइन कर लो और 1 लाख का पैकेज मिल जाएगा, 1.5 लाख का पैकेज मिल जाएगा, 2 लाख का पैकेज मिल जाएगा और वो पैकेज लेकर के एक बदी बधाई जिंदगी 10 से 5 तक काम करो, उसके बाद आके घर में बैठो मौज मस्ती करो, यही एक लाइफ रहेगी. तो मुझे जब बांटना होता स्तर में तो मैं उसको बांटता हूँ जो नेशनल डिग्री कॉलेजेस या नेशनल लॉ कॉलेजेस हैं या नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं उनको, और उन इंस्टीट्यूशंस को जिसको लोग बी ग्रेड कहते हैं लेकिन मैं उनको ए ग्रेड कहता हूं. क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि बी ग्रेड के जो बच्चे हैं ला के वो ज्यादातर प्रैक्टिस में आ रहे हैं और प्रैक्टिस में आने के लिए प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है. अगर आप प्रैक्टिकल नहीं हैं तो प्रैक्टिस में नहीं आ सकते. मैंने देखा कि एक बार मैंने एक पार्टी की थी अपने फार्म हाउस पे, तो हमारे वहां पे लगभग आधा एकड़ धनिया बोया था, धनिया निकला हुआ था. तो उस पार्टी में
एक 40 साल के वकील साहब आए थे जो पहले कहीं नौकरी करते थे, अब वो वकील बन के आए थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या है, मैंने कहा धनिया है। अरे ये धनिया है, मैं तो समझता था कि इतने इतने बड़े पेड़ होते होंगे उसमें लटकता होगा धनिया। तो अगर आप प्रैक्टिकल नहीं है, गांव में घूम के आपने गोबर के उबले कंडे नहीं देखे हैं, अगर धान की कटाई नहीं देखी, अगर गेहूं की बुआई नहीं देखी है, गांव में कुएं से पानी निकालते नहीं देखा है, गांव में खेत को सींचते हुए नहीं देखा है, शहर में रिक्शे वाले को रिक्शा चलाते हुए नहीं देखा है, और ये नहीं देखा है कि रिक्शा चलाने वाला आपसे झगड़ा कैसे करता है, तब तक आप वकालत नहीं कर सकते। वकालत करने के लिए आपको लाइफ के हर वॉक पे हर चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से यह निवेदन करूंगा कि आप लोग वकालत के पेशे में जाएं, और वकालत के पेशे में जाने का एक फायदा जो सबसे बड़ा होता है वो आपका होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इससे बड़ा स्कोप कहीं नहीं मिलेगा किसी प्रोफेशन में जिसमें आदमी को अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपको धीरे धीरे जब आप प्रोफेशन में कॉम्पिटिटिव लाइफ में जाते हैं तो आपकी समझ में आ जाता है कि आपको बोलना कैसे है, कब बोलना है, कहां बोलना है, और जो सबसे बड़ी बात समझ में आती है कि कब नहीं बोलना है। ये सब चीजें आपको लीगल प्रोफेशन में सीखने को मिलेंगी। दूसरा, हम आपके टीचर से भी निवेदन करेंगे कि अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट आप इनको और भी बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं एक बार इलाहाबाद से केस करके आ रहा था तो मेरे साथ बार काउंसिल के तत्कालीन चेयरमैन मिस्टर बाबूराम तिवारी, उन्होंने कहा मैं भी आपके साथ काम में चलूंगा। मैंने कहा नहीं, मैंने उनसे एट दैट टाइम ही वाज चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ यूपी एंड मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो रास्ते में टाइम पास करने के लिए हम लोग गप्पे कर रहे थे। ही वाज अ वेरी सीनियर लायर ऑफ होंडा, वेरी वेरी सीनियर। तो मैंने उनसे पूछा कि तिवारी जी ये बताइए कि आप पिछले 15 साल से बार काउंसिल के मेंबर हैं, 5 साल से आप चेयरमैन हैं, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ लीगल प्रोफेशन। तो वो थोड़ी ये सोचते रहे, अवधि बोलते थे, तो मुझसे बहुत बड़े थे उम्र में, हमसे करीब 20 साल बड़े थे। तो उन्होंने कहा बच्चा हमका तो समझाए दो, कहीं और बेइज्जती ना हो जाए हमारा। हिस्ट्री ऑफ लीगल प्रोफेशन जानना बहुत जरूरी है बेटे। बच्चों, फोर्थ हेडी में अगर आप हिस्ट्री ऑफ लीगल प्रोफेशन ढूंढने जाओगे तो आपके टीचर से वो आप तुमसे बेहतर बताएंगे। बुद्धा पीरियड में जो अमात्य होते थे वो डिसीजन लेते थे, उस जमाने में दोनों पार्टी के पक्षों को सुन करके या तो अमात्य फैसला लेता था या राजा फैसला लेता था। तो ये शुरुआत हमारे इंडिया में बुद्धा पीरियड में हो चुकी है। लेकिन रोम में फोर्थ हेडी में एक आदमी हुआ तो उस समय सिस्टम क्या होता था, उस समय सिस्टम ये होता था कि राजा न्याय करता था और राजा ही एग्जीक्यूट भी करता था। वो फैसला वो लोगों की बातें सुनता था, डिस्प्यूट को सेटल करता था, और उसके बाद अगर उस फैसले को एग्जीक्यूट करना होता था तो राजा ही एग्जीक्यूट भी कराता था। सामने ही कहा कि इसकी गर्दन काटो, सजा क्या होती थी कि ज्यादातर वही क्रूएल होते थे। लेकिन बात सुनने का अधिकार दोनों पक्ष को रोम में दिया जाता था। तो पक्षकार दोनों आते थे और अपनी अपनी बात रखते थे। तो एक कोई पक्षकार कमजोर पड़ता था बात करने में, दूसरा पक्षकार मजबूत पड़ता था। तो वो पक्षकार जो कमजोर पड़ता था वो हार जाता था।
तो एक आदमी पैदा हुआ, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उसने कहा कि हम लोगों को ट्रेनिंग देंगे कि अपनी बात राजा के सामने कैसे रखो। उसने ट्रेनिंग देना शुरू किया, उसका ये व्यापार बड़ी तेजी से बढ़ा। जब उसकी ट्रेनिंग अच्छी चलने लगी तो कुछ लोग और आए उसके पास कि साहब मुझको ट्रेनिंग दे दो कि कैसे ट्रेनिंग देते हैं, तो वो ट्रेनिंग देने लगा। तो जिसको ट्रेनिंग देता था उससे एक शर्त रखता था कि जो तुम पहला मुकदमा जीतोगे, अब लोग खुद ही ट्रीट करने लगे थे, तो उसने कहा जो पहला मुकदमा जीतोगे उसकी फीस तुम मुझे दे देना। तो उसका एक शिष्य था, वो बहुत बदमाश था, उसने देखा कि बुड्ढा भी लटकने वाला है कुछ दिन, उसने कहा हम कोई केस लेंगे नहीं, तो उसने कोई मुकदमा नहीं लिया। उसने कहा हम मुकदमा नहीं लेंगे तो हमको फीस नहीं देने पड़ेगी, तो उस्ताद ने अपने शिष्य के खिलाफ मुकदमा कर दिया। तो राजा ने पूछा कि भाई तुमने अपने चेले के खिलाफ क्यों कर दी, तो उसने कहा कि मेरी यही शर्त है कि अगर ये जीतेगा तो फीस हमको दे देगा, तो अगर ये मुकदमा ये जीत गया तो फीस हमको मिल जाएगी, तो अगर ये हार गया तब तो देना ही देना पड़ेगा। तो इस तरह से 400 एडी में रोम में ये बात शुरू हुई। लेकिन जो असली पढ़ाई का जो हमारे यहाँ शुरू हुआ ये हुआ ये 1100 एडी में, वहां भी राजा कहीं राज चलता था, राजा अपना शासन करता था और वो फैसला देता था। अब ये डिपेंड करता था कि सजा क्या दी जाएगी, अगर चोर है तो हो सकता है कि उसको डांट करके छोड़ दे राजा, या अगर वो चोर या राजा के भाई ने किसी की गर्दन काट ली है तो उसको भी डांट के छोड़ दिया जाए, या चोर को फांसी से लटका दिया जाए, ये इस तरह की सजाएं होती है। उसमें कोई वो नहीं था, तारतम्य नहीं था आपस में। तो ये शुरू हुआ कि साहब जो बात प्लीड करने वाला है ये प्लीड तो किया जाए, तो उसके लिए पहली बार हाउस ऑफ इन स्थापित की गई और उसमें ट्रेनिंग दी गई। आजकल हम लोग सुनते हैं ना कि बार और बेंच में लड़ाई हो गई, बार और बेंच में तो आपस में सामंजस्य नहीं है, तो ये हम भी सोचते थे कि ये बार क्या है, बार तो वही है मेट्रो बार और ये बार वो बार, तो ये बार और बेंच का जो कंसेप्ट पैदा हुआ वो यहां से पैदा हुआ कि जो ट्रेनिंग दी जाती थी हाउस ऑफ इन में, तो वो तीन आदमी जज बना करके मंच पे बैठा दिए जाते थे, वो टोपो पहन के बैठ जाते थे जो रोमन पीरियड में होते थे, एक तरफ एक्यूज को बैठा दिया जाता था, एक तरफ प्रोसिक्यूटर को बैठा दिया जाता था, पूरा रूट खोलकर पूरी तैयारी चलती थी, सवाल जवाब होते थे और उसके बाद वो फैसला देते थे जो ऊपर बैठे होते थे। जो ऊपर बैठे थे उनके लिए एक तिपाही रख दी जाती थी, उस तिपाही पे तीनों आदमी बैठे रहते थे और नीचे जो बच्चे पढ़ते थे वो बच्चे जो थे वो पूरे हाल में घुसते हुए आगे बढ़ते बढ़ते मंच तक पहुंच जाते थे, तो उनको रोकने के लिए एक लकड़ी का लट्ठा लगा दिया गया। तो उस लट्ठे को कहा गया कि ये बार है। तो ऑल द मेंबर्स हु वर द स्टूडेंट्स दे वर कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ द बार, दे वर आस्क्ड टू रिमेन बिहाइंड दैट बार, एंड ऑल दोज मेंबर्स हु वर सिटिंग ऑन द बेंच दे वर कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ द बेंच। तो दैट टर्मिनोलॉजी ऑफ बार एंड बेंच स्टार्टेड एट दैट टाइम। फिर देयर आफ्टर सो मेनी हाउस ऑफ इन्स वेर ओपन, लिंकन्स हाउस ऑफ इन, क्वींस हाउस ऑफ इन, किंग्स हाउस ऑफ इन। तो उसके बाद से फिर इस तरह से हमारी शिक्षा की प्रगति हुई। मेरा ये कहना है कि आप शिक्षा प्राप्त करें। आज मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन में मैंने देखा कि जो कॉन्फिडेंस था बच्चों का, दैट वॉज ट्रेमेंडस, दैट वॉज मार्वलस। देता हूं आप लोगों को, आप लोग अपना कॉन्फिडेंस ऐसे ही और बनाए रखें, इंप्रूवमेंट की हमेशा जरूरत रहती है। इसीलिए कहा कि लीगल प्रोफेशन में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलती। बिकॉज आज आप खड़े हुए, आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन आप शाम को जब लोग बैठेंगे तो आपको खुद एनालाइज करने की जरूरत पड़ेगी कि मेरी कहां कहां चूक थी, और फिर कल वो गलती नहीं करेंगे।
इसी तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है।